हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं एसजी टाइल्स ग्रेनाइट फिटिंग। मैं हूं आपका दोस्त शिवराज। आपके लिए वीडियो लेके आऊं मैं, ग्रेनाइट रैंप का डिज़ाइन रैंप है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं ग्रेनाइट रैंप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिरते हैं वीडियो शुरू। तो हमने एक हमारा जो रैंप था उसके नाप का एक पत्थर काट लिया बड़ा, और इसके ऊपर हम कट लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से पकड़ कर ले, और पानी से दो के इसकी डस्टर ने साफ़ कर लिए, और सीमेंट के गोल से इसको चिपकाएंगे। तो आप बने रहे वीडियो में एंड तक। तो हमने ये गोल लगा के उसको फिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से थोड़ी की, और ऐसे हम दोनों तरफ के रैंप को फिक्स कर देंगे। देख सकते हो आप, हमने दोनों तरफ के पत्थर लगा दिए इसमें। और अब इसके आगे हम इसकी मेजरमेंट निकालेंगे। हमने 4x4 इंच की इसमें बीच में गुट्टी का नाप, और 1.5 इंच की ये बीच में छोड़ दी इसमें, और दोनों साइड में 4x4 इंच की पट्टी छोड़ दी। तो देख सकते हो 4x4 की गुट्टी इसमें लगाएंगे, और दोनों तरफ 1.5 इंच की जगह छोड़ दी बीच में। तो इसको कटिंग करेंगे मशीन से। तो कटिंग करते समय बहुत ही सावधान से कटिंग करनी पड़ी हमको, ताकि आगे तक कट ना लगे इसके। तो देख सकते हो हम कटिंग कर दी इसकी। अब इसके जो बीच में है इसको निकालेंगे। तो हमने बीच का माल निकाल दिया इसका। तो देख सकते हो इसकी कटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी सफाई बाकी है। तो सफाई करते हैं इसकी ग्राइंडर से। तो हमने ग्राइंडर की मदद से इसकी सफाई करी है, और एक 4x4 की जो गुट्टी थी उसको नाप से इसको चेक करके देख रहे हैं, बाकी दिक्कत ना आए बाद में। तो देख सकते हो हमने आगे तक इसी पर कट नहीं लगाया है, और नीचे का जो कॉर्नर था उसको चेन हथौड़ी की मदद से अच्छी तरीके साफ कर लिया है। तो हमारा पूरा रैंप साफ हो चुका है। तो अब इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। तो अब इसमें गुट्टी लगाएंगे बीच वाली, जो हमने पहले काट के रख ली थी। तो एक एक करके हम सारी गुट्टी इसमें फिक्स कर देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो टुकड़े भी लग जाते बीच में, लेकिन हमको इसमें कोई जॉइंट नहीं देना था बीच की पट्टी में, ताकि सुंदर लगे। तो देख सकते हो फाइनल दोस्तों, हमारा रैंप बन के तैयार हो चुका है, और बीच में एक भी जॉइंट नहीं। और इसको हमने आगे से ऊँचा और पीछे से नीचा रखा है, ताकि पैर रखते वक्त फिसले ना पैर, वो अच्छी तरह से पकड़ कर ले। तो बहुत ही शानदार रैंप बनाए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।